इब्रानियां 11 की शे के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करते हुए उपस्थिति में जो मिला वचन है उसे प्राप्त करना और उपस्थिति में आपके अंदर तुरंत विश्वास और धीरज को रखना, तो फिर आपको प्रतिफल मिलते हैं। प्रभु की उपस्थिति में जाना और तुरंत विश्वास और धीरज के द्वारा अपने प्रतिफल को प्राप्त करना, क्योंकि वो विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं होता। चार कदम बता रहा हूं कि प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए विश्वास से मांगने का तरीका क्या है। तो चार पॉइंट्स आप लिखेंगे, मांगने से पहले विश्वास करना, जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, समझिए, जो आज आपको मेन पॉइंट्स है कि जब भी कुछ आपने मांगना है पहले विश्वास करें अपनी स्पिरिट में, ओके, आत्मा में पहले विश्वास करें कि जो मैं मांगने जा रहा हूं वो मिलेगा। जब तक आपका विश्वास तैयार नहीं है मुंह से मांगना ना शुरू करें। ऐसे मुंह उठाया सुबह उठ दिया प्रभु, समझ गया ना, वो मैंने मांगा मुझे मिला नहीं। प्रभु ने भी कहा, बाइबल ने, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा रख के मांगते हो, क्योंकि तुम अपने अंदर विश्वास रखे नहीं मांगते, नॉनसेंस बन के, ओवर स्पिरिचुअल बन के, जब नॉनसेंस बन के, जब स्पिरिचुअल सेंस ना रख के तुम मांग रहे हो। तो प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए विश्वास से मांगने का तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि मांगने से पहले हृदय में विश्वास पैदा करना फिर मांगना, ओके, मांगने से पहले हृदय में विश्वास पैदा करना, क्रिएट करना। और विश्वास पैदा करने के लिए क्या, प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठेंगे, आराधना में लीन होंगे, पवित्र आत्मा को उतरने के लिए बोलेंगे, आवाज को आने के लिए बोलेंगे, उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए, महसूस होने के लिए, टच करने के लिए, आपको भरने के लिए बोलेंगे। और फिर जो उस समय आवाज आएगी, प्रकाशन आएगा विश्वास, उस विश्वास को फिर बोले। पवित्र आत्मा आपको ये बोल सकता है, तेरा जो मसला है ना उसे झिड़का मार, वो जाएगा, आप झिड़का मारेंगे। तेरा जो मसला है ना उसके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा नए नए तरीकों से काम करता है। पवित्र आत्मा बोलेगा, जो तेरा ये मसला ना इसके लिए 5 रोजे रख। पवित्र आत्मा कहेगा, जो तेरा ये मसला ना इसके लिए तू आज ऐसे नाच नाच के आराधना कर, पूरा दिल खोल के तेरा ये बंधन टूट जाएगा। तो आपको आत्मा ऐसे देगा आवाज, इसका मतलब विश्वास बोलने से पहले आपने उसे आत्मा में प्राप्त किया। तो मांगने से पहले अपनी आत्मा को तैयार करना, कैसे तैयार करनी आत्मा, वचनों को पढ़ने के द्वारा, वचनों को सुनने के द्वारा, कि जो मैं मांगने जा रहा हूं वो मुझे मिलेगा। मांगा नहीं अभी, वचनों को पढ़ें, वचनों को सुने, जैसे आज अब वचनों को सुन रहे, मान लो बाइबल को पढ़ें, वचनों को सुने, कोई प्रचार सुने, कोई वचन सुने, आपके अंदर फेथ पैदा होगा, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। अगर आप सुनते नहीं हैं, अगर आपको सुनने की आदत नहीं, हफ्ते में 2-3 प्रचार नहीं सुनते आप, तो आपको आपके अंदर विश्वास बिल्कुल नहीं रहेगा। विश्वास का एक ही सीक्रेट है, सुनना, खुद वचन को पढ़ना, वचन को सुनना। विश्वास केवल सुनने से आता है, प्रार्थना विश्वास को नहीं बढ़ाती, विश्वास सुनने से आता है। प्रार्थना में आप अपने विश्वास को उपयोग करते हैं, वो चाहे घुटने टेके, चाहे बस में करके करो, चाहे लेट के, चाहे सो के, चाहे चलते, चाहे बैठते, चाहे काम करते, विश्वास की घोषणा प्रार्थना में कभी भी आप कर सकते हैं, पर वचन से विश्वास आपके अंदर आता है। तो वचनों के द्वारा विश्वास पैदा करना, फिर उस विश्वास के द्वारा जो आपको मिला कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, अब मैं विश्वास करता हूं कि ये मेरे लिए हो जाएगा, इसे आप फिर उसे घोषणा कर देना, बोल देना, फिर मांगना। तो क्योंकि मांगने के तुरंत बाद तुझे मानना होगा कि तुझे मिल गया है। तो मांगने से पहले क्यों प्रैक्टिस करनी फेथ के अंदर विश्वास को पैदा करना, क्योंकि मांगने के तुरंत बाद तुझे मानना होगा कि तुझे मिल गया। अगर तुझे प्रैक्टिस नहीं की, तुम बोलेंगे मेरे घुटने का दर्द है, मैं विश्वास करता हूं मेरे घुटने का दर्द जा चुका है, ओके, अभी हाई, समझ पा रहे, नहीं मेरा जा चुका, वैसे नहीं मेरे घुटने का दर्द जा चुका है, मुंडे ठाली मारा जा, नहीं मेरे घुटने जा चुका, उदय व टाइम वेस्ट कर रहे तुम। पर अगर तूने आत्मा में तैयार किया, तुम्हारी अभी प्रक्रिया देखना क्या तुम क्रिया कर रहे हो, तूने विश्वास में बोला मैं यीशु के नाम में इस घुटने का दर्द अभी मैं विश्वास करती हूँ ये जाएगा, क्योंकि लिखा है विश्वास करने सब कुछ हो सकता है, ये अभी जा चुका है यीशु नासरी के नाम में आपके, ओके, आपको पेन हो रहा है, आप कह रहे नो मेरा घुटने का दर्द जा चुका है, मैं ऐसे नहीं, मैं आराम से चलूंगा, मेरा दर्द जा चुका है, आप अंदर से बोलते जा रहे हो आत्मा में विश्वास को, वो महसूस हो रहा है, आप कह रहे जा चुका है। आप रात को सोने लगे, दर्द हुआ, आप कहते नो, आप स्पिरिट फेथ बातों से नहीं बोल रहे, बोला तो वही है पर वो आत्मा से आ रहा, आप कह रहे नहीं मैं मानता, मैंने वो विश्वास किया है, आपके अंदर वो विश्वास जागा हुआ, अभी बना हुआ है, क्योंकि विश्वास के साथ धीरज भी काम करता है। दो तरह के बाइबल में मिरेकल थे, एक तुरंत मिरेकल जो हो सकते हैं,
एक तुरंत उत्तर मिलने वाले कुछ विश्वास के टॉपिक होते हैं, प्रार्थना होती है, एक होती है महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, मतलब लेट उत्तर आने वाली। मतलब आप कहेंगे मैं विश्वास करती हूं इस बार मेरी प्रेगनेंसी असफल नहीं होगी, मेरी प्रेगनेंसी सफल होगी, तो 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल, नहीं प्रभु अज्जे उत्तर चाहिए, तो आप ऐसे नहीं कहते, आप कहते वेट करते हैं। आपको 9 महीने तक उसी विश्वास को जो बोला है प्रभु तेरे दास ने, वो संडे चर्च में गवाही सुनी, एक लड़की थी हमारी, उनके साथ मुलाकात हुई, अपॉइंटमेंट हुई, चलो, और हमने ऐसे ही जहाँ मिले तो हमने, मैं प्रभु की दासी थे, और हमने पानी पिया, हमने गिलास, उन्होंने हमें पानी सर्व किया, हमने पानी पिया, रख दिया, कुछ छोड़ दिया पानी, उसने विश्वास से पानी पी लिया। डॉक्टर ने बोला था तेरे तो ये वो सारा कुछ बोला, मतलब बेबी नहीं होगा, जो भी उसकी लंबी स्टोरी थी यूट्यूब में देख लेना, बेबी नहीं हो सकता, तेरी इतनी रसौलियाँ हैं पेट में, ठीक है, बेबी तेरे नहीं हो सकता, अगर हुआ तो वो गिर जाएगा, मतलब वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, काफ़ी साल से मैरिज से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। वो विश्वास उसने पानी पी लिया, उसने विश्वास करती नहीं मुझे मिल चुका है, और क्या हुआ उसकी जाते ही उसी महीने उसकी प्रेगनेंसी हो गई। बीच बीच में बहुत सी रुकावटें डॉक्टर ने बोलना शुरू की, और पर 9 महीने पूरे कंप्लीट हुए, उसको बेबी, सुंदर बेबी मिल गया। मैंने बात की, मैंने कहा ये बेबी है ना इसलिए हुआ क्योंकि मिरेकल्स अगर परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा दिया था, मिरेकल आत्मिक तरीके से एक विश्वास दिखाने से हुआ था, तो चाहे बीच में कोई भी रुकावटें वो रोक नहीं सकती क्योंकि इसे पूरा होना ही है। हालेलुया, समझ पा रहे, तो वो रोक नहीं सकती क्योंकि उसने विश्वास दिखाया। पर अब इस व्यक्ति को विश्वास में बने भी रहना है। नहीं नहीं नहीं, विश्वास से मिला है तो जिसने शुभ काम आरंभ किया वो पूरा भी करेगा। आप विश्वास को बोलते रहना है, कोई वचन हो ऐसा जो आप बोलते रहे तो आप उसे रिएक्ट सेम कर रहे हैं कि मेरा पेन जा चुका है। रात को भी थोड़ा सा पेन महसूस हो, आप कहते नहीं मेरा पेन जा चुका है, सुबह उठते हैं आपके वो पेन हो रहा था, आपका फैमिली बोल रही है ये कितना डॉक्टर ने दिखा लिया, आप बोल रहे कितना करा हूं तो ऑफर ले लेने हट जाए नहीं था, अब शरीर में होंगे नहीं, आप कहते नो 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 मैं ठीक हूँ, मैं नो नो मैं ठीक हूँ, शाम तक आप बोल रहे हो है ना अजी मालिश कर देंगे घुटने दी, नहीं 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 मैं ठीक हूँ, हर तरह के ऑफर आ रहे हैं कि शैतान हर कोई डाल रहा है, पूरा फाइट चल रही है, आप उस रात भी नो 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 मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, शरीर बोल रहा है देख तेरे दर्द हो रहा है, कोई तेन पूछता नहीं, गुस्सा कर अपनी फैमिली से, हाँ तुम मैंने पूछते नहीं मेरे दर्द होंगे, मैं क्यों ऐसा बोलूँ मैं तो ठीक हूँ, आप फिर विश्वास को बोलते। 2 दिन के बाद आप सुबह उठे, वो पेन गायब था और कभी जिंदगी में नहीं आया, समझ पाए। कई बार धीरज रखना होता है विश्वास के साथ आपको उसमें खड़े रहने के लिए कि जो आपने बोला है, तो अगर आपने उसे विश्वास प्राप्त करके नहीं बोला तो क्या होगा, आप बोलेंगे तो सही पर उसमें खड़े नहीं रह पाएंगे, आप बोलेंगे तो सही पर खड़े नहीं रह पाएंगे उसमें। हालेलुया, तो आपको उसमें काम करना है, तो आपको फिर आपको मांगना है क्योंकि तुरंत बाद तुझे मानना होगा कि तुझे मिल चुका है, और फिर कोई शक ना, शक को जगह नहीं देनी जब तक मिल ना जाए, थोड़ा सा भी संदेह आया, शक आया, आप उसे खो देंगे, फिर शक को जगह नहीं देनी। आपने इधर आज आपने विश्वास दिखाया, अगले दिन शक, अगले दिन फिर विश्वास की घोषणा, तीसरे दिन फिर शक की घोषणा, मेरा विश्वास काम क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने एक दिन शक बोला था, अरे उसी टाइम खत्म हो गया था। तुम कभी शक कभी विश्वास, दूत भी आ रहा है ओए अविश्वास, ओ विश्वास अछू दो, ओ नो अविश्वास, दूत के भी तुम गेड़े लगा रहे हो, वो तुझे छूने के लिए जब आ रहे, कभी विश्वास कभी अविश्वास, समझ पा रहे हो, तो ऐसा मत करे, थोड़ा सा भी संदेह आया आप उसे खो देंगे। तो ठीक है, मांगने से पहले विश्वास करना कि जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा, मांगने के बाद विश्वास करना कि मुझे मिल गया है, ठीक है, मांगने के बाद विश्वास करना। तीसरा पॉइंट, मिल जाने से पहले मान लेना कि मुझे मिल गया, धीरज रखना, जो चीज लेट मिलनी है मिल जाने से पहले विश्वास कर लेना, मन में ठान लेना मुझे मिल गया, तो उसके लिए धीरज रखना, तो मिल जाने से पहले विश्वास करना, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, देखकर नहीं अनदेखे को मानकर विश्वास करना। देखकर तो सभी मान लेते हो ना, थोमा कहता है जब तक मैं देख ना लू प्रभु तेरे हाथों में उंगलियां ना डाल लू, देख ना लू, महसूस ना करूं तुझे कि तू दुष्ट आत्मा तो नहीं है, हाथ लगा के हड्डी मांस है कि नहीं, तू बंदा ही है कोई, भूत आ गया कोई, जब तक देख ना लू, महसूस ना कर लू, टच ना कर लू, मैं बिलीव नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा आ जा यार देख ले, पर उसे बोला भी बाद में, तूने तो देख के विश्वास किया, धन्य है जो बिन देखे विश्वास करते। वही थोमा जब इंडिया में आया कहता है अगर तुम्हारा परमेश्वर एलिया की तरह बोल रहा, तुम्हारा परमेश्वर है तो तुम ये करके दिखाओ, मेरा परमेश्वर सही है तो मैं ये चमत्कार करके दिखाता हूं, और रूहों को जीतता गया, चर्च शुरू हुई, मिनिस्ट्री शुरू हुई, केरला में आगे सारे आले दुआले फैल गया प्रभु का वचन। हालेलुया,
समझ पा रहे, उसने अभी शक नहीं करा, अभी वो सामर्थ्य आ रहे क्योंकि उसने एक बार देख लिया। हालेलुया। चेले बड़े ईमानदार थे, जब वो दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए जाके पूछा, प्रभु जी हम क्यों नहीं निकाल पाए, तुम भी थोड़ी सी आज ईमानदारी दिखा दो ना, प्रभु जी असी क्यों नहीं कर पाए, ये क्यों नहीं हुंदा, प्रभु बात करेगा। आज से जाएंगे आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये कर्जा क्यों नहीं जा रहा है, ये दुष्टात्मा क्यों नहीं जा रही, ये गरीबी क्यों नहीं जा रही, प्रभु विश्वास का हर कदम उठाऊंगा और ये जाकर ही रहेगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो देख कर नहीं अनदेखे को विश्वास करना। तो प्रभु आपको आशीष दे। मेरा बिलीव है आप इसे फॉलो करेंगे, मेरा बिलीव है आप इस पर चलेंगे।